बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर इमरान ख़ान PDF पाक डेयरी फीड्स एंड कंपनी। अच्छा नाज़रीन, ये एक और केस है हमारे पास लंपी स्किन के हवाले से। इनके जो नोड्यूल्स हैं वो सिर्फ बर्फ़ की टकोर करने से बैठ गए। ये 4 दिनों से इसके नोड्यूल्स जो हैं वो बढ़ रहे थे, लेकिन इन्होंने YouTube चैनल पे मेरा ये ट्रीटमेंट देखा था कि पहले जो वीडियो थी मेरी, तो ये सिर्फ मैंने उनको बर्फ़ की टकोर बताई थी। ये बर्फ़ की टकोर इन्होंने 3 दिन की है, 3 टाइम की है, सुबह दोपहर शाम रात। आज मुझे फिर मौका मिला ट्रीटमेंट करने का। तो नाज़रीन, जानवर को ड्रिप लगवाएं अगर ज़्यादा मसला है, अगर खा नहीं रहा है और झालर पर स्वेलिंग है, टांगों पर स्वेलिंग है और खा नहीं रहा है, पानी पीता है खाता नहीं है जानवर, तो ये प्रेग्नेंट भी है, 5 माह की गबन है, इसको मैंने सादा ड्रिप लगाई है, नॉर्मल सलाइन की ड्रिप है। तो जितने भी डॉक्टर्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये नॉर्मल सलाइन ड्रिप है। इसमें मैंने सिंपल सिर्फ 20 ml जेंटामाइसिन डाला है, एवल डाला है 15 ml और 15 ml मैंने पेन गोइस डाला है इसमें, और जैटीपार 20 ml। और जानवर इंशाल्लाह ये ठीक 1.5 से 2 घंटे के बाद खाने पीने लग जाएगा। सिर्फ शर्त ये है कि आपने दिन में 3 मरतबा बर्फ़ की टकोर करनी है, पूरे जिस्म पे बर्फ़ मलनी है। सादा सा इलाज है, लंबा चौड़ा इलाज नहीं है। यही फार्मूला आप लगाएं, यही फार्मूला आप दें, इंशाल्लाह जानवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब ये ड्रिप ख़त्म हो जाएगी उसके 1 घंटे के बाद आपने अमोक्सिसिलिन LA कोई सा भी, अमोक्सी 150 LA के नाम से आता है, या कोई भी LAPPS है इस टाइप का, कोई भी अमोक्सिसिलिन आपने यहाँ पे लगा देना है इंट्रा मस्कुलर। सिर्फ और सिर्फ इतने, अगर बॉडी वेट का जानवर है तो 25 ml लगा देना, अगर बड़ा बॉडी वेट का है तो उसको 35 ml लगा देना। तो नाज़रीन, आपके साथ ये वीडियो शेयर करने का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, एक एक जानवर पर 15-15, 20-20 हज़ार रुपया खर्चा आ रहा है। मत करें इतने खर्चे, सादा ट्रीटमेंट करें और 12 घंटे के बाद रिपीट करें, जानवर ठीक हो जाता है। मेरे तकरीबन 1000 जानवर जो मेरे ट्रीटमेंट में आए थे, मशवरे में आए थे, वो ठीक हो गए, इसी इलाज से ठीक हुए हैं। सिर्फ बर्फ़ की टकोर करें दिन में 3 मरतबा और दिन में 3 मरतबा ग्लूकोज पिलाएं, 100 ग्राम ग्लूकोज 1/2 किलो पानी में मिक्स करके पिलाते रहें सुबह दोपहर शाम रात, और बर्फ़ की टकोर करते रहें, यही इसका इलाज है। कंपनियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि दवाइयों को थोड़ा सस्ता करें, जब इतनी दुनिया परेशान है आप भी थोड़ा सा हिस्सा डाल दें इसमें, दवाइयां थोड़ी सस्ती कर दें। आपके तो 5-5 साल के टारगेट पूरे हो गए बगैर एडवर्टाइजमेंट के, बगैर किसी भी चीज़ के। बल्कि कंपनीज़ जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ हैं जो लाइफ स्टॉक की, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो एक बजट रखें कि अगर कोई मुसीबत, कोई आफत आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, तो उसमें आप भी कोई पार्टिसिपेट करें। आप बल्कि बजाय सस्ती करने के बल्कि महंगी कर रहे हैं, हर चीज़ ही महंगी हो गई है। पता नहीं फार्मर जिंदा बचा तो हमने बचना है, फार्मर ना रहा तो हमने भी नहीं रहना है, हम तो इनसे पहले ही मर जाएंगे। फार्मर के साथ ही हमारी लाइफ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है फार्मास्यूटिकल कंपनियों से कि एक बजट रखें, कोई बेल आउट पैकेज दें, कोई मतलब आप भी कुछ हिस्सा डाल दें। फार्मास्यूटिकल कंपनी इतनी महंगाई कर दी है, जब मेडिसिन लेने जाते हैं महंगी हो जाती है, तो थोड़ा सा आप भी हिस्सा डाल दें। और नाज़रीन, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे आप भी मसीहा बन जाएं, सिर्फ शेयर करके मसीहा बन जाएं, वीडियो को शेयर कर दें ताकि लोगों तक एक आसान और सस्ता नुस्खा पहुंच जाए, वो खुद लागे कर लें। अगर ड्रिप नहीं लगा सकते ना लगाएं ड्रिप, अमोक्सी जेंट लगा लें। अगर आपके पास जेंटामाइसिन नहीं मिलता, सिंपल डोज है अमोक्सी जेंट की, वो सिर्फ एक डोज ही काफ़ी होती है 35 ml, फिर अगले दिन एक डोज लगा लें 35 ml अमोक्सी जेंट इंजेक्शन लगाएँ गर्दन पर, और इतने बॉडी वेट को आप 30 ml लगा लें, बड़ा बॉडी वेट जानवर का वज़न ज़्यादा है उसको 35 ml लगा लें, और साथ में डिक्लोस्टाल लगा लें 30 ml, 25 ml एवल लगा लें, 25 ml ही आप कहते हैं, अगर खा नहीं रहा है तो वो लगा लें हैपागार्ड, हैपागार्ड 50 ml लगाएं, 25 ml गर्दन की साइड पे, 25 ml गर्दन की उस साइड पे, जानवर खाने पीने भी लग जाता है और ये स्वेलिंग भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि इसकी टकोर करते रहें, बर्फ़ की टकोर करें, ग्लूकोज पिलाएँ, लाजमी पिलाएँ, और अगर ये
नीड्यूल्स जो हैं ये ब्रस्ट हो गए हैं, तो अगर ये फट गए हैं नीड्यूल्स वगैरह, तो ये 5 ग्राम है, ये 5 ग्राम वाले 2 टीके ले लेंगे, 50-60 रुपये का एक आता है, ये 2 लें, इसको ऐसे उतारें, इसमें से ये पाउडर निकालें, ये पाउडर है, ये पाउडर निकालें किसी पेपर में, कागज़ में, अखबार में, ये 2 खोलेंगे तो ये तकरीबन 20 ग्राम हो जाएगा, 20 ग्राम ही फटकरी ले लें, सफ़ेद फटकरी, उसे पीस लें, इतना बारीक ही पीसें जितना बारीक ये पाउडर है, वो हम वज़न जो है ना वो मिक्स कर लें आपस में, वो ज़ख्मों के ऊपर लगाएं, ज़ख्म बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, 3 घंटे के बाद ज़ख्म खुश्क हो जाएंगे, पस आने भी ख़त्म हो जाएगी, जो जिन जानवरों के ये ब्रस्ट हो गए हैं नोड्यूल्स, ये फट गए हैं और उसमें ज़ख्मों में पस आ रही है, ज़ख्म खुश्क नहीं हो रहे, आप ये फार्मूला करें, जानवर के ज़ख्म बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे, दिन में 3 मरतबा ये लगा दें, उसी दिन ही ठीक हो जाएंगे, खुश्क हो जाएंगे, उसके बाद आप सिर्फ वो अपना जो तेल होता है या पायोडीन होती है वो आप लगाते रहें, सादा सा फार्मूला, कोई मसला नहीं है, इतनी इतनी आप महंगी स्प्रेज लगा रहे हैं, इतने इतने वाउंड केयर, पता नहीं क्या क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ जो जो भी चीज़ बाज़ार में लेने जाओ वो महंगी हो जाती है, तो वो मत करें, ये सादा टोटके ये करें, इसी से ही ठीक हो जाना जानवरों में, तो रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दूसरों को फैलाएँ, ये सदक़े जारिया भी समझ गए, ताकि गरीब आवाम है इतनी ज़्यादा परेशान है, उनका मदावा हो सके, उनको उनका हल निकल सके, तो मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं, मेरे नंबर आ जाएंगे, हमारी पूरी एक टीम है डॉक्टर्स की, डॉक्टर खालिद लतीफ़ साहब हैं, तो डॉक्टर फरीद भट्टी साहब हैं, डॉक्टर फिजान हैं, और बकर में भी हैं, इधर गोजरे में हैं, लिया में हैं, पेशावर में अब डॉक्टर्स हैं हमारे पास, उनके साथ हम मैं शेयर करता रहता हूँ सारी जितनी भी ट्रीटमेंट है वो शेयर करता रहूँ, वो मेरे से शेयर करते रहते हैं, जैसे जैसे हमें इलाज मुआलजा मिलता रहता है, यानी कि जहाँ जहाँ पे हमें रिज़ल्ट मिलता जाता है हम आपस में शेयर करते हैं एक दूसरे से, ताकि लोगों का भला हो सके, अब तो लोग यहाँ पे लोगों का भला करना ही सबसे बड़ी नेकी है आज के दौर में, परेशान है दुनिया बहुत ज़्यादा, तो एक दूसरे का भला करें, एक दूसरे के साथ तावन करें, तो डॉक्टर्स के साथ भी मेरी यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कोऑपरेट करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, बाकी जज़ा इंशाल्लाह अल्लाह पाक देगा, इसका अजर अल्लाह ही देगा, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें लाजमी, कमेंट्स सेशन होता है उसमें आप कमेंट करें, अगर मेरी वीडियो से आप मुतमिन हैं, नहीं मुतमिन, मज़ीद कोई मालूमात चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, शुक्रिया, अस्सलाम।